सो दोस्तों इसी तरीके से अगर स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको एक फ़ोटो को डाउनलोड करना है क्रोम ब्राउज़र से। दोस्तों ये देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके का फ़ोटो एक डाउनलोड कर लिया, और दोस्तों आप भी चाहो तो क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो मेरा तो अगर मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, ये तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है दोस्तों। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला हमारा है पिक्सआर्ट, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट को। हाँ दोस्तों, तो हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। और आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पर एडिट ए फोटो, हाँ दोस्तों, ऊपर में क्लिक करना है और आपको ये वाली फ़ोटो को ले लेना है। हाँ दोस्तों, तो ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर जाना है, ऐड फोटो। हाँ दोस्तों, और अपना जो फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है आप उससे ले सकते हो, नहीं तो आप कोई भी अपना फ़ोटो को भी लगा सकते हो। तो हमारा ये जो फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है इसे मैं क्रॉपिंग कर लेता हूँ और इस तरीके से घुमा के लगा देता हूँ। तो बाद जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड में आना है और आपको यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन दिख रहा है, ये ब्लेंड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ दोस्तों, तो छोटा बड़ा कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इतना हमारा हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो रबर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे का ये जो पार्ट है आपको इसे कर देना है रिमूव। तो इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, देख सकते हो बहुत अच्छा हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा घुमा लेता हूँ यहाँ पर, तो हो चुका है हमारा इतना काम दोस्तों। उसके बाद हमें इसे सेव कर लेना है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। और दोस्तों सेव होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन पर जाना है सेकंड नंबर में, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है और आपको जो एडिट किया हुआ फ़ोटो को ले लेना है। हाँ दोस्तों, ये फ़ोटो ले लिया। और उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा और आपको यहाँ पर स्मोक वाला ये जो इफेक्ट देख सकते हो, तो इसे ले लेना है। और यहाँ पर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो और देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से कर देता हो गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं बैक आता हूँ और आपको यहाँ पर आ जाना है इस साइड में और आपको ये वाली कैमरा इफेक्ट्स में जाना है। हाँ दोस्तों, और आपको ये जो हिलेगा आप देख सकते हो बहुत अच्छा लगेगा ये वाले ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तो एक्सपोर्ट, तो आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। हाँ दोस्तों, तो बार एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों एक्सपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ हमारा यहाँ पर थर्ड नंबर एप्लीकेशन में इंसर्ट, तो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इंसर्ट को और इसे मैं कट देता हूँ। और यहाँ पर हमारा वीडियो, हाँ वीडियो में है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू, ये जो है वीडियो हमने सिलेक्ट कर लिया। हाँ दोस्तों, देख सकते हो हम अब चलाएंगे तो बहुत अच्छा लग रही है। और उसके बाद आपका देना है एक म्यूज़िक, तो यहाँ पर म्यूज़िक आप जो चाहो दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरा गैलरी से म्यूज़िक दे देता हूँ। ये म्यूज़िक दे दिया तो उसके बाद मैं चला कर दिखा देता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो और भी अच्छा, मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मैं फाइनल आपको दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो कैसा हुआ। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा वीडियो बहुत अच्छा हो चुका है। आप चाहो तो मुझसे भी अच्छा बना सकते हो। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया इससे इससे बनते हैं। दोस्तों आप बनाओ, मुझसे भी अच्छा बनाओ और स्टेटस डालो। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।